उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के मामले में जो प्रस्तावित बुलडोजर की कार्रवाई है वो जो मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बहराइच हिंसा के बाद वहां प्रस्तावित बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है और याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए नोटिस को रद्द करने और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी और यहाँ पर बहराइच में नोटिस जो है वो चस्पा किए गए थे कुछ लोगों के घर में, जिसमें 3 हिंदू परिवार थे, 20 मुस्लिम परिवार थे। जिस तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थी उसके बाद ये नोटिस लगाए गए थे और कहा गया था कि अवैध निर्माण जो है वो आप खुद ही तोड़ लें या फिर प्रशासन उसको तोड़ेगा और उसका जो खर्च है वो भी जिनके घर हैं उनसे लिया जाएगा। तो उसके बाद कई लोग हैं जो अपने घरों में अवैध निर्माण को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे थे। तो इस वक्त अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की बात जो सामने आ रही थी उस पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका जो है वो दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई याचिका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए नोटिस को रद्द करने और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो बहराइच में जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद लगातार महाराजगंज के कई इलाकों में प्रशासन जो है वो नोटिस लगा कर गया था कि 3 दिनों के भीतर आप या तो दस्तावेज़ पेश करें अपने जो निर्माण कार्य है उसका और या फिर वो जो निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, उसे खुद तोड़ लें या फिर प्रशासन जो है वो आकर उस पर बुलडोज़र चलाएगा और उसका जो खर्च है वो भी आप ही से वहन करवाया जाएगा। तो उसके चलते कई लोग जो हैं वो अपने घरों में अवैध निर्माण को तोड़ते हुए भी नज़र आए थे और अब फिलहाल ये खबर आ रही है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, अपील की गई है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जो नोटिस भेजा गया है इसे रद्द किया जाए और बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, एक बार फिर बुलडोज़र का मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट की तरफ से भी पहले ये हिदायत दी गई थी कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो ना की जाए, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त? देखिए, जानकारी ये है कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज था उनमें से 3 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दावा ये किया गया है कि 18 तारीख को जो नोटिस दी गई वो बैक डेट से हुई, यानी कि 17 अक्टूबर के तारीख से नोटिस दी गई है और कहा गया है कि 3 दिन के अंदर या तो उन्हें ये खाली कर दिया जाए जो मकान अवैध अतिक्रमण जिसको कहा गया, और या फिर जो इन लोगों ने अपना अवैध अतिक्रमण किया है उसको तोड़ दें। इस तरह की जो नोटिस सरकार की तरफ से दी गई है उसको लेकर के अब फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 3 पिटिशनर्स ने इसको चैलेंज किया है और अब चूंकि आज संडे है, सुप्रीम कोर्ट में जाहिर अभी सुनवाई नहीं हो सकती और आज वो दिन था जब सुबह से आशंका जताई जा रही थी कि सुप्रीम ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो हो सकती है, लेकिन आज बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई और पूरी आशंका लोगों को थी, संभावना थी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो संभव है कि सोमवार को हो और इस बीच अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो संभव है कि फिलहाल इसको रोक दिया जाए और ये कार्रवाई ना हो। लेकिन जाहिर है कि बहराइच पे जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद कुल 23 लोगों को नोटिस दिया था जिसमें 19 अल्पसंख्यक समाज से थे और 4 लोगों के जो घर और दुकान थे वो बहुसंख्यक समाज से आने वाले लोग थे और इन 23 के 23 लोगों को कहा गया था कि 3 दिन के भीतर या तो अवैध अतिक्रमण हटाएं और या फिर वो कार्रवाई की जद में आएंगे, बुलडोजर चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस पिटीशन को एडमिट करके अर्जेंसी मान करके अगर स्टे कर देता है कि फिलहाल अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो बहराइच जिला प्रशासन को इस कार्रवाई को फिलहाल रोकना पड़ेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का कोई आदेश नहीं आता है तो संभव है कि कल सुबह सुबह बहराइच में उन 23 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे सकती है जिनको नोटिस जारी किया गया है। जी रणवीर, इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है, तो क्या आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस बारे में? देखिए, 17 अक्टूबर की तारीख से जो नोटिस था वो जारी किया गया था और 3 दिन का समय दिया गया था, यानी कि 17, 18 और 19 अक्टूबर। 20 अक्टूबर रविवार यानी आज का दिन वो था जब प्रशासन के बारे में कहा जा रहा था कि प्रशासन कार्रवाई करने आ सकता है, लेकिन आज सुबह से ही बहराइच में जिस इलाके में जिस महसी तहसील के महाराजगंज में ये कार्रवाई होनी थी वहां कुछ नहीं हुआ। ये जरूर था कि लोग खुद ब खुद अपनी दुकानें और अपने घरों पर
जो अवैध निर्माण था वो हटा रहे थे, दुकानों के अंदर से सामान हटा रहे थे, और खुद ही जो प्रशासन ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस के तहत कार्रवाई करने की कोशिश हो रही थी कि खुद ही अपना सामान हटा ले ताकि नुकसान कम से कम हो। और अब चूंकि रविवार को नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो सोमवार का दिन बेहद अहम होगा। जब अगर कोर्ट से स्टे हो जाता है तो शायद कोई कार्रवाई रुकेगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो बुलडोजर संभव है कि सुबह सुबह पहुंचे और बहराइच के इस महाराजगंज में जहां हिंसा हुई थी वहां पर उन सड़क के किनारे के मकानों और दुकानों पर कार्रवाई हो जिनको 17 अक्टूबर की तारीख से नोटिस दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इंतजार रहेगा सोमवार का कि कल क्या कुछ होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करता है या फिर पहले बुलडोजर चलाए जाते हैं।